हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें क्या दिया है। पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बनाया है पी पॉइंट पे। पी वर्टेक्स जो है वो राइट एंगल है। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फाइंड एंड पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आपको क्यू आर फाइंड करना है। मे बी कि इस तरह से आपको समझ में ना आए तो हम उसकी डायग्राम बना लेते हैं, जो कि हमें बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन हमें ड्रॉ करनी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसे उन्होंने बताया है। इस तरह से हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे सपोज। ठीक है, ये मैंने बना ली डायग्राम। इसमें हमने उन्होंने क्या बोला है, राइट एंगल कहाँ है, पी पर है, मतलब पॉइंट पी जो है वो राइट एंगल है। ये सपोज क्यू है और ये आर है। इसमें हमें और एक चीज़ दी हुई है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है। पी और क्यू मतलब ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, और पी आर, पी और आर 24 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, तो हम इसमें लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बताता है, देखिए राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, तो हम यहाँ करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर। एक साइड का स्क्वायर और दूसरी साइड का स्क्वायर जब आप मिलाएंगे तो थर्ड साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर आना चाहिए। हाइपोटेनस हमें निकालनी है इसलिए ये हमें पता नहीं है। वन साइड मतलब सपोज 10 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस अदर साइड मतलब 24 का स्क्वायर ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इनको नाम दे सकते हैं, पहले पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, राइट। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पर कि क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पर, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 24 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम देखेंगे 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब क्या करना है आपको, 24 × 24 करना है हमें, राइट। हम आपको याद रखना चाहिए वैसे तो कि क्या होगा, लेकिन अगर हम आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 4 × 4 = 16 का 6 कैरी 1, 4 × 2 = 8 + 1 = 9, यहाँ हमने 0 लिया, 4 × 2 = 8 और 2 × 2 = 4, इसको हम ऐड करेंगे 6, 8 + 9 = 17 का 7 कैरी 1, 4 + 1 = 5, 5 × 76 = 24 का ये लेंगे यहाँ पे 576। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 576 + 100 = 676, ये क्या हो गया, क्यू आर का स्क्वायर हो गया। तो क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 676। अब आप देखिए 676 किसका स्क्वायर हो सकता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 676। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तो आप यहाँ पर इसके स्क्वायर हम किस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 676, राइट। अब अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करती हूँ, जो कि ये नंबर इवन है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करती हूँ तो 2 × 3 = 6 होगा, अगेन 2 × 3 = 6 होगा, एक बचेगा इसमें और ये 6 है मतलब 16 हो गया, और 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16 मतलब ये आएगा 338। अगेन ये इवन नंबर है, मैं इसको 2 से कर सकती हूँ, यस 338 को मैं 2 से करूँगी तो वापस होगा 2 × 1 = 2 बचेगा 1 और ये 313 हो गया, 2 × 6 = 12, 12 में फिर वापस 1 बचेगा और ये 8 है मतलब 18 हो गया, 2 × 9 = 18 क्या हो गया, 169। अब 169 को आप किससे कर सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि 169 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या। अगर मैं 169 को 3 से करूँगी तो ये नहीं होगा, 4 से नहीं हो पाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से ये नहीं होगा, आपको ऐसे देखना है कि एक करके। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये 13 से होता है, अगर मैं इसे 13 से करती हूँ तो 13 × 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169, मतलब 13 का स्क्वायर ही है 169, और फिर 1 × 1 = 1 मतलब 13 × 1 = यहाँ पे हम लेंगे 13 से ही करेंगे तो 13 × 1 = 13,
यहाँ पर इस तरह से हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इसमें ये दो कॉमन है और ये दो कॉमन है, तो दोनों के बदले हम एक लेते हैं नंबर, तो क्यू आर को हम लिखेंगे मतलब इन दोनों का कॉमन, मतलब 2 × 2 × 13 × 13 है, राइट। तो हम इसे कैसे करेंगे, ये दोनों एक और ये दोनों एक, मतलब 2 × 13 दैट इज 26। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रूट 676 मतलब 26 है, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 आता है, देयरफॉर QR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो QR की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 26। आपको इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं करनी है, तो यू हैव टू रिमेंबर द स्क्वायर्स ऑफ पर्टिकुलर नंबर, जो भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स आपको याद रखने हैं, ताकि आपको इतनी प्रोसेस ना करना पड़े और इतना समय आपका ना जाए। अगर आपको स्क्वायर्स याद होते तो आपको डायरेक्टली 676 देख कर ध्यान आ जाता कि ये 26 का स्क्वायर है, और आप डायरेक्टली लिख सकते थे QR की वैल्यू 26 होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट किया है। फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।